Very good afternoon. I'm Shilpa and I welcome you all to the NCERT Live Interactive Program. As yesterday, we had discussed the basic necessity for developing mobile apps. Also, we understood the theoretical aspects of it. So today we are back with a follow-up session of to understand how to make mobile applications, to have the practical information of developing mobile apps. So we are again accompanied by App Guru Imran Khan. I welcome you again, Mr. Imran. Thank you, Shilpa. And if in case, if your viewers have any queries or any questions, then you can ask during our session. You can call on our toll-free numbers 1-800-111-265 and 1-800-111-2199. Also, you can send your queries via our official email ID, ciet.kishoremanch@gmail.com. Moreover, you can send your questions by commenting during our live stream on YouTube. Our official YouTube channel is NCERT Official. So, Imran ji, aaj hum kya seekhne wale hain? जी शिल्पा जी, कल हमने मोबाइल एप्लीकेशन, खास तौर पर एंड्रॉइड एप्लीकेशन के जो वेरियस एस्पेक्ट्स हैं उनके बारे में हमने बात की थी, और कौन कौन सी टूल्स हमको चाहिए होते हैं इस बारे में बात की थी। आज हम प्रैक्टिकल सेशन की तरफ बढ़ना चाहेंगे, और जो कल हमने सीखा था उसको हम प्रैक्टिकल में कैसे यूज कर सकते हैं और कैसे एक कर सकते हैं जी, हम स्टार्ट करें? जी बिल्कुल। ओके, तो हम फिर से एक स्लाइड के माध्यम से, पीपीटी के माध्यम से कुछ पॉइंट्स जिनको आज हम टच करने वाले हैं उनके बारे में बात करेंगे। आज हम डेवलपिंग मोबाइल एप्स सीजन सेकंड, जिसको कहें हम, पार्ट सेकंड पे हैं। कल हमने एंड्रॉइड इंट्रोडक्शन देखा था कि एक्चुअली व्हाट इज एंड्रॉइड और इस ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या विशेषताएं हैं, क्यों ये पब्लिक काफी इसको पसंद कर रही है, और विच आर एंड्रॉइड डेवलपमेंट टूल्स। तो उसमें हमने जेडीके और एंड्रॉइड स्टूडियो को खास तौर पे ध्यान दिया था, जबकि और भी हैं। ऐसे प्रश्न भी हमसे पूछे गए हैं कि एंड्रॉइड स्टूडियो ही क्यों, तो अदर ऐप जो टूल्स हैं, आईडीईज हैं, उनको हम यूज कर सकते हैं। कुछ फीचर्स ऑफ एंड्रॉइड हमने इसमें टच किए थे। ऐसा नहीं कि वो फीचर्स सिर्फ एंड्रॉइड के हैं, आईओएस और अदर में भी कुछ फीचर्स है जो मैच कर सकते हैं, बट वो एंड्रॉइड में भी है, तो हमने वो आपके साथ साझा किए थे, जिससे हम जब ऐप डेवलपमेंट करें तो उन फीचर्स को यूज कर पाए। एंड्रॉइड वर्जन के बारे में बात की थी, किस प्रकार ये ऑपरेटिंग सिस्टम लगातार अपडेट होता जा रहा है, नए नए वर्जन इसके बारे में आते जा रहे हैं। टाइप्स ऑफ मोबाइल एप्स के बारे में बात किया था कि अगर हम एंड्रॉइड ऐप डेवलप करने वाले हैं तो उसके कौन कौन से टाइप्स हैं और हमें कौन सा टाइप कब चूज करना चाहिए। क्रिएटिंग न्यू प्रोजेक्ट, तो जब हम कोई टूल यूज करेंगे जिसके माध्यम से हम ऐप बनाएंगे तो कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना होगा उसके बारे में हमने बात की थी, और एंड्रॉइड इम्यूलेटर के बारे में बात की थी, एनाटॉमी ऑफ एंड्रॉइड एप्लीकेशन के बारे में बात की थी। ये हमारा कल का सेशन था। आज हम बेसिक सेटअप करेंगे। ये मान लेते हैं कि हमें बेसिक जानकारी है और अब हम शुरू कर सकते हैं कि ऐप एंड्रॉइड ऐप कैसे बनाए। सो वी विल स्टार्ट विद क्रिएटिंग अ न्यू प्रोजेक्ट एंड देन अंडरस्टैंडिंग द प्रोडक्ट प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर एंड क्रिएटिंग एंड्रॉइड इमेज, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक सेटअप है जो हमको शुरुआत करने के लिए चाहिए। जी, आज का जो हमारा डमी ऐप होगा, हमने एक बहुत सिंपल सा ऐप प्लान किया है, क्योंकि वन एन आर में अगर हम चाहें कि एक ऐप बना लें या फिर हम उसमें एक्सपर्ट हो जाएं, इट इज क्वाइट टिपिकल, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि एक ऐप जो वाकई काम करता हो, किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हो, या कोई एक उसमें ऐसा फीचर हो कि जिसको हम कहें कि इट्स यूजफुल। तो हमने एक ऐप प्लान किया है, आप शायद स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये एमआई कैलकुलेटर, जो बॉडी मास इंडेक्स होता है उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये एक साधारण सी बात होती है, बट उसको ऐप में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इसको जो बनाने का मकसद है वो ये है कि एंड्रॉइड स्टूडियो को हम कैसे यूज करेंगे, वेरियस व्यूज को हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे, लेआउट कैसे क्रिएट करेंगे, एक्टिविटीज कैसे बनाएंगे, उनके बीच में किस तरह से एक से दूसरे एक्टिविटी पे जाएंगे, और ऑन क्लिक लिसनर्स जैसे जो मेथड्स हैं उनको कैसे यूज करेंगे, तो ये हम इसमें देखेंगे। सबसे पहले हम एन ऐप आइकन चाहिए होता है,
और ऐप आइकन, क्योंकि जिससे आपका ऐप यूनिक दिखाई दे, जो हमारा मोबाइल स्क्रीन होता है उस पर टैब्स में हमको ग्रिड में ऐप आइकन दिखाई देते हैं, तो सबसे ज्यादा एंगेजिंग जिसको कहें वो होता है ऐप आइकन। अच्छे से कैसे बनाए, हमने भी एक BMI के लिए सिंपल ऐप आइकन बनाना होगा, तो वो देखेंगे। फिर डिफाइनिंग स्ट्रिंग्स, डायमेंड्स एंड कलर्स, ये करने वाले हैं। और उसके बाद हम एक यूजर इंटरफेस, जो UI है इस ऐप का, वो क्रिएट करेंगे और एक्टिविटी क्रिएट करेंगे। यहाँ कल ये बात मैं बताना चाह रहा था, चूंकि ये थ्योरेटिकल चीजें हैं, कुछ बातें हमको पता होना चाहिए। एक्टिविटी लाइफ साइकिल, तो एक्टिविटी लाइफ साइकिल एक्चुअली है क्या, ये हमको पता होना चाहिए, क्योंकि पूरे एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट में एक्टिविटी प्लेज इंपॉर्टेंट रोल। सो वी शुड हैव टू नो व्हाट इज एक्टिविटी लाइफ साइकिल। एंड्रॉयड एक्टिविटी लाइफ साइकिल इज कंट्रोल्ड बाय 7 मेथड्स ऑफ एंड्रॉयड ऐप एक्टिविटी क्लास। द एंड्रॉयड एक्टिविटी इज द सब क्लास ऑफ कॉन्टेक्स्ट थीम रैपर क्लास। द 7 लाइफ साइकिल्स मेथड ऑफ एक्टिविटी डिस्क्राइब्स हाउ एक्टिविटी विल बिहेव एट डिफरेंट स्टेट्स। तो इसमें पहला होता है ऑन क्रिएट मेथड होता है, कॉल्ड व्हेन एक्टिविटी इज फर्स्ट क्रिएटेड। अर्थात जब हम पहली बार ऐप को खोलेंगे, तो जो पहली एक्टिविटी जब क्रिएट होगी, तो ये मेथड है जो कॉल होगा। ऑन स्टार्ट, कॉल्ड व्हेन एक्टिविटी इज बिकमिंग विजिबल टू द यूजर, यूजर को जब वो दिखाई देने लगेगी, तब ऑन स्टार्ट मेथड है जो कॉल होता है। इसमें ऑन क्रिएट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो हमको रखना ही होता है। कुछ को हम स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें कोई विशेष फंक्शन किसी विशेष स्टेट पर, हमको अगर लाइफ साइकिल के किसी विशेष स्टेप पर अगर हमको रन करना है, तो फिर उसको कॉल करना होता है। ऑन रिज्यूम, ये मेथड है जो कॉल्ड व्हेन एक्टिविटी विल स्टार्ट इंटरेक्टिंग विद अदर यूजर्स। ऐसे ऑन पॉज, ये हम नाम से ही समझ पा रहे हैं कि कब एक्टिविटी की कौन सी स्टेट होगी, कौन सी लाइफ साइकिल होगी, तो इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। इसी तरह जो ऑन डिस्ट्रॉय है, लास्ट में जब हम किसी दूसरे एक्टिविटी पे जाएंगे और मान लीजिए वो एक्टिविटी पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाएगी या फिर ऐप को बंद कर देंगे, तो ऑन डिस्ट्रॉय मेथड कॉल होगा। नेक्स्ट, आज हम वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, कलर्स कैसे डिफाइन करते हैं, इमेज व्यू, टेक्स्ट व्यू, एडिट टेक्स्ट, बटन्स, मार्जिन, पैडिंग, विजिबिलिटी। चूंकि हमारा जो ये सेशन है, मुझे लगता है कि इट्स फॉर बिगनर्स, नॉट फॉर एडवांस डेवलपर्स। हम ये सोच रहे हैं कि हमारे जो शिक्षक साथी हैं वो एकदम बिगनर हैं, तो हमने बिल्कुल जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उनको लिया है, और हम हर एक को टच करने का प्रयास करेंगे। लाइक ग्रेविटी कैसे सेट करते हैं, ओरिएंटेशन ऑफ कंटेंट कैसे सेट करेंगे, बटन ऑन क्लिक कैसे यूज करेंगे, इंटेंट, इंटेंट से मेरा मतलब है जब एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में जाते हैं तो उसको कैसे यूज करेंगे, SP और DP क्या है। अगर हमको टेक्स्ट को, टेक्स्ट के साइज को डिफाइन करना है, देन वी विल यूज SP, और अदरवाइज हम हाइट और विड्थ को जब डिफाइन करते हैं तो हम DP यूज कर रहे हैं। मेथड्स क्या है, ऑन बैक प्रेस्ड, इस मेथड की भी आवश्यकता होती है अगर हम ऑन बैक प्रेस, जो डिफॉल्ट बटन हमारे डिवाइस में होता है, उसको यूज करते हैं। एक्टिविटी डिक्लेरेशन, मैनिफेस्ट, ये प्रश्न चैट में भी पूछा गया था कि हर एक एक्टिविटी को मैनिफेस्ट में डिफाइन करना क्यों जरूरी है। आप यूं मान लीजिए कि मैनिफेस्ट फाइल वो है जो आपकी समस्त एक्टिविटीज को का एक तरह से रिकॉर्ड रखती है, जो उसमें है उसी को आपका ऐप यूज कर पाएगा। अगर हमने किसी एक्टिविटी को वहां पर डिफाइन नहीं किया है, रजिस्टर नहीं किया है, तो वो एक्टिविटी फिर काम ही नहीं करेगी। इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज करते हैं, कई बार आप देखते हैं नाइट थीम की भी बात होती है, कई बार लाइट कलर की बात होती है, तो हम कैसे कलर चेंज करेंगे। फॉन्ट फैमिली, अगर हम चाहते हैं कि डिफॉल्ट फॉन्ट जो डिवाइस में है उनको यूज नहीं करें, बल्कि हमारे खुद के फॉन्ट यूज करें, वेरियस टाइप्स ऑफ फॉन्ट यूज करें, तो हाउ टू यूज फॉन्ट फैमिलीज। टेक्स्ट स्टाइल की बात होगी, हम इटैलिक टेक्स्ट यूज कर सकते हैं, बोल्ड टेक्स्ट यूज कर सकते हैं। टूल बार की बात होगी, अगर हमारा ऐप बहुत टिपिकल है, इस ऐप में हम साइड टूल बार यूज नहीं करेंगे, ओनली टू एक्टिविटीज देयर, और हमने उसमें फिनिश मेथड यूज कर लिया, यानी बैक होते हम वापस फर्स्ट एक्टिविटी पे आ जाएंगे, लेकिन हम टूल बार का प्रयोग भी करते हैं। लॉग पैड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लॉग करना होता है हमें कि क्या हो रहा है, आखिर ऐप में चल क्या रहा है, उसको हम टेक्स्ट में देखना चाहते हैं कि अंदर क्या चल रहा है, तो लॉग पैड एंड्रॉइड स्टूडियो में हम देख सकते हैं, और उसको हम कैसे यूज करते हैं, ये हम आज इस पर डिस्कस करेंगे और उसको यूज भी करेंगे। build.gradle फाइल
अगर हमको कोई अलग से थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज करनी है, वो सारी चीजें हम इसमें समाहित करते हैं। तो ये किस तरह से एक इम्पोर्टेंट फाइल है और इसको कैसे मेंटेन हम रख सकते हैं। इसी तरह वेक्टर असेट्स, अगर हमें SVG फाइल्स अपलोड करनी है तो हम वेक्टर असेट कैसे अपलोड करेंगे और वो उसको कैसे हम यूज करेंगे। सेम इज टेक्स्ट एप्स अपीयरेंस और अन्य बहुत सारी चीजें भी हम इसमें जब हम ऐप बनाना शुरू करेंगे तब उस पर डिस्कस करेंगे। तो आपने SVG फाइल मेंशन किया आपने वेक्टर एसेट में, थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देंगे क्योंकि वो बहुत ही क्विकली आपने कह दिया। SVG फाइल जो वेक्टर ग्राफिक्स फाइल होती है उनको हम SVG फाइल कहते हैं। ये अगर हम इनको बड़ा करते हैं तो ये फट तरह की इमेज होती है। SVG का जो फुल फॉर्म है वो है एन SVG फाइल इज ग्राफिक फाइल दैट यूजेज ए टू डायमेंशनल वेक्टर ग्राफिक्स फॉर्मेट क्रिएटेड बाय द वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। W3C ने बहुत सारे जो टाइप्स इनके डिफाइन किए हुए तो उनमें से एक SVG फाइल। और हम सिंपली डेवलपर्स के रूप में हम इसको इसी तरह समझते हैं कि अगर हमें कोई इमेज इस प्रकार की बनानी है जो वेरियस स्क्रीन पर फटे नहीं अच्छे से, उसको हम अगर बड़ा करें तो उसका रिजोल्यूशन खराब नहीं हो, तो हम SVG फाइल यूज करते हैं। तो ये रहेगा। और फिर हम बिल्डिंग एंड APK फाइल जो फाइनली हमारा एक तरह से प्रोडक्ट होता है उसको हम तैयार करेंगे। सो वहां तक जाने से पहले मैं चाहूंगा कि अब हम शुरू कर दें, ठीक है शिल्पा मैम? जी बिल्कुल। ओके सो लेट अस स्टार्ट एंड्रॉइड स्टूडियो। यस, शायद आप देख पा रहे हैं ये स्क्रीन। जब हम एंड्रॉइड स्टूडियो को स्टार्ट करते हैं, मुझे लगता है उससे पहले कुछ यूजर्स को ये दिक्कत रहेगी कि एंड्रॉइड स्टूडियो कैसे हम प्राप्त करें, तो मैं एक बार वहीं से शुरू करता हूँ। यस, जिन साथियों ने कल का सेशन देखा है उनके लिए तो इजी है, बट अगर हमने वो सेशन नहीं देखा है और हम चाहते हैं कि एंड्रॉइड स्टूडियो हम अपने डिवाइस में कैसे इंस्टॉल करें, सो यू शुड हैव टू सर्च एंड्रॉइड स्टूडियो। यहाँ आप देखेंगे कि developer.android.com जो वेबसाइट है उस पर आपको डाउनलोड ऑप्शन में एंड्रॉइड स्टूडियो मिलेगा। ये आप अपने डिवाइस के मुताबिक इंस्टॉल कर सकते हैं। वैसे तो ये वेबसाइट अपने आप ही काफी एडवांस है जो आपके डिवाइस के अकॉर्डिंग ही आपको सजेस्ट करेगी कि विच वर्जन यू शुड हैव टू डाउनलोड। लाइक मेरा कंप्यूटर 64-bit है तो मैं इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकता हूँ। अगर हमें अदर वर्जन चाहिए तो आप यहाँ डाउनलोड ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं और यहाँ आप देखेंगे कि विंडोज 64-bit के लिए दो फाइल्स हैं। इसके अलावा विंडोज 32-bit कंप्यूटर अगर है तो आपके लिए अलग डाउनलोड के लिए फाइल है। मैक सिस्टम है उसके लिए अलग है, लिनक्स के लिए अलग से है और क्रोम OS के लिए अलग से है। तो हमें अकॉर्डिंग आवर सिस्टम वी हैव टू डाउनलोड एंड्रॉइड स्टूडियो। हमने पहले ही एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल किया हुआ है। सो हम वापस वहीं जाते हैं और आप ये स्क्रीन देख पा रहे हैं। तो जब आप इसको पहली बार ओपन करेंगे तो आपको ये कुछ बटन्स यहाँ पर दिखाई देंगे। स्टार्ट अ न्यू एंड्रॉइड स्टूडियो प्रोजेक्ट, ओपन एन एग्जिस्टिंग एंड्रॉइड स्टूडियो प्रोजेक्ट। अगर आपने पहले से किया है तो ये बटन भी रहेगा। सो स्टार्ट ए न्यू एंड्रॉइड स्टूडियो प्रोजेक्ट, यहाँ से हम शुरू करेंगे। तो हमसे ये सेलेक्ट अ प्रोजेक्ट टेम्पलेट इसकी बात करेगा। इस स्क्रीन को अच्छे से देखें क्योंकि जो बिगनर्स हैं उनके लिए शुरुआत यहीं से होने वाली है और उनको ये समझने की जरूरत है कि हम कौन सी एक्टिविटी किस तरह की एक्टिविटी को यूज करें। आप देखें पहला नो एक्टिविटी। अगर आप चाहते हैं कि हम पूरी तरह से स्क्रेच से बनाएंगे, खुद ही एक्टिविटी डेवलप करेंगे, तो आप नो एक्टिविटी रख सकते हैं। बेसिक एक्टिविटी है। बेसिक एक्टिविटी में आप देख सकते हैं कि टूल बार है और एक फ्लोटिंग एक्शन बार भी इसमें दिया हुआ है। एम्प्टी एक्टिविटी जिसको हम यूज करेंगे कि एक खाली एक्टिविटी हमको मिल जाए। अगर हम चाहें तो बॉटम नेविगेशन एक्टिविटी भी यूज कर सकते हैं। कुछ एप्स में आप देखते हैं कि बॉटम में नेविगेशन बार होता है जहां पर होम बटन या मैसेज बटन या अदर कोई बटन हो सकते हैं तो हम उसको यूज कर सकते हैं। फ्रेगमेंट एंड व्यू मॉडल, अगर हमको फ्रेगमेंट यूज करने हैं जब भी हम इनपुट चार्ज नहीं करेंगे
क्योंकि बिगनर्स के लिए ये थोड़ा टिपिकल हो जाता है, बट वी कैन यूज फ्रेगमेंट एंड व्यू मॉडल्स एज वेल। अगर हमको फुल स्क्रीन एक्टिविटी बनानी है, लाइक वी वांट टू क्रिएट स्प्लैश स्क्रीन, ये फर्स्ट में केवल स्प्लैश स्क्रीन आए जिस पर एक हमारी हमारे एप्पल आइकन आए, तो हम इसको यूज कर सकते हैं। मास्टर डिटेल फ्लो, इस तरह की एक्टिविटी को भी हम यूज कर सकते हैं, खास तौर पे जब जब हम चाहते हैं कि हमारा ऐप टैबलेट में भी बहुत अच्छे से खुले, या फिर जब हम अपने ऐप का ओरिएंटेशन बदलें तो वो अलग तरह से व्यू दिखाए, कि उसका जो मेनू बार है वो अलग दिखने लग जाए, कंटेंट अलग से दिखने लग जाए, तो हम इस प्रकार की एक्टिविटी यूज कर सकते हैं। ये सारे एडवांस के लिए होते हैं, अगर हम थोड़ा सा भी एडवांस चाहेंगे तो हमें उनको यूज करना होगा, लेकिन मुझे लगता है हम बेसिक में तो एम्प्टी एक्टिविटी करेंगे। ऐसे हम नेविगेशन ड्रॉअर यूज करना चाहते हैं, जो आप देखते हैं ऊपर किसी ऐप के टॉप में 3 लाइन्स होती हैं, जिनको हम अगर स्लाइड करते हैं तो मेनू बार हमको दिखाई देता है, उसको हम नेविगेशन ड्रॉअर कहते हैं, तो हम नेविगेशन ड्रॉअर एक्टिविटी यूज कर सकते हैं। अगर हमें अपने ऐप में मैप्स इंटीग्रेट करने हैं, गूगल मैप्स, तो हम गूगल मैप्स एक्टिविटी यूज कर सकते हैं। लॉगिन एक्टिविटी हम चाहें तो एम्प्टी एक्टिविटी से खुद बना सकते हैं, और हम चाहते हैं कि लॉगिन एक्टिविटी में ज्यादा हमें कुछ नहीं करना पड़े, तो सिंपली हम यहाँ से लॉगिन एक्टिविटी ले सकते हैं। इसी तरह स्क्रॉलिंग एक्टिविटी तभी यूज की जाती है जब हमारे पास कुछ ज्यादा कंटेंट है, वहां पर हम चाहते हैं कि हेडर में एक इमेज दिखाई दे, नीचे कंटेंट हो, स्क्रॉल करें तो जो इमेज है वो हाइड हो जाए और टूल बार हमको दिखाई दे और कंटेंट दिखाई दे, तो हम स्क्रॉलिंग एक्टिविटी भी यूज करते हैं। टेब एक्टिविटी, इसमें टेब होते हैं, हम वेरियस टाइप ऑफ कंटेंट को वेरियस टेब में इसमें शो कर सकते हैं। और अगर हम जावा नहीं यूज कर रहे हैं, हम C++ लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, तो हम नेटिव C++ इसको भी चूज कर सकते हैं। तो सिंपली हम एम्प्टी एक्टिविटी से शुरुआत कर रहे हैं। जैसे ही हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, हमसे पहली बात पूछी जाएगी नेम, आपको आपके एप्लीकेशन का एक यूनिक सा नेम देना होगा, लाइक हम BMI कैलकुलेटर। इमरान जी, क्या आप इस एक्टिविटी को हल्का सा मैग्नीफाई कर सकते हैं अगर पॉसिबल हो तो? सॉरी, एक्चुअली ये एंड्रॉइड स्टूडियो की स्क्रीन है, तो इसमें कोई ऐसा फीचर नहीं है कि ओके जूम इट, इसके बाद हम जूम कर पाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि इस स्टेप को आप इसी प्रकार देखें। तो इसमें जी नेम होगा, उसके बाद पैकेज नेम होगा, जो मैंने कल भी बताया था आपको कि इट शुड बी यूनिक। यूनिक इसलिए है कि जब आप पहली बार अपने ऐप को बनाने के बाद, ऐप बन गया APK के रूप में, प्ले स्टोर पर अपलोड करोगे, तो वो किसी अन्य ऐप से मैच नहीं खाना चाहिए, तो इसलिए ये यूनिक होना चाहिए। जैसे इसने खुद से जो हमें सजेस्ट किया है, दैट इज form.example.bmi-calculator, तो हम यहाँ एग्जाम्पल जो है इसको हम चेंज कर देंगे, तो वो हमारा यूनिक होना चाहिए। लाइक मेरे पास मेरा डोमेन है इमरान एप्स, तो मैंने ये लिख दिया, चूंकि वो डोमेन मेरे पास है तो ये फिर यूनिक हो गया, ये मैच नहीं खाएगा। सेव लोकेशन, ये अपने आप कहीं ना कहीं सजेस्ट करेगा, लाइक डी में एंड्रॉयड प्रोजेक्ट्स, न्यू में BMI कैलकुलेटर, हम चाहें तो उसको यहाँ से जो फोल्डर आइकन दिया हुआ है वहां से उसको चेंज भी कर सकते हैं। लैंग्वेज लैंग्वेज भी आपको चूज करनी पड़ेगी, अगर आप जावा में काम कर रहे हैं यू शुड हैव टू चूज जावा, और अगर आप कोटलिन में काम कर रहे हैं तो कोटलिन भी यूज कर सकते हैं। और एक SDK वर्जन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप किस वर्जन तक के, मिनिमम SDK कहाँ तक आप चाहते हैं कि आपका ऐप है जो कंपेटिबल रहे। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि सारे वर्जन इसमें दिखाई देते हैं, तो ये अपने आप डिफॉल्ट में हमको दिखा रहा है कि API 16। अगर हम यहाँ तक का मिनिमम SDK लेते हैं तो ये बता भी रहा है योर ऐप विल रन ऑन अप्रोक्सीमेटली 99.8% ऑफ डिवाइसेस। तो ये हमको प्रॉपर तरीके से चूज करना होता है। अगर हमारे ऐप में कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो पुरानी APIs में है ही नहीं, तो फिर हमको इसको फिर बढ़ाना होता है, चाहे हम 18 या 20 या जो भी ऊपर का हो उसको यूज कर सकते हैं। जी इमरान जी, मैं यहाँ पे आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगी। आपने पैकेज नेम की बात की, पहली बात आप पैकेज नेम से क्या समझ सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपने ऐप का नाम लिख दिया BMI कैलकुलेटर। और इसके साथ एक और प्रश्न जोड़ना चाहूंगी, जो आपने कहा कि फॉर एग्जांपल आपका डोमेन नेम इमरान एप्स आपने लिखा है, तो क्या ये जो स्टूडियो है
क्या ये हमें बताएगा कि इस नाम का डोमेन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है? ये दो चीजें आप हमें yes. जो पैकेज नेम की बात है, तो पैकेज नेम को, द पैकेज नेम इज ए यूनिक नेम टू आइडेंटिफाई स्पेसिफिक ऐप. यू मान लीजिए कि यही एक आपका कीवर्ड होगा या फिर जिससे ये पता लगेगा कि आपका ऐप दरअसल है क्या. नाम को आप BMI कैलकुलेटर अगर हम प्ले स्टोर पे सर्च करेंगे, यू विल फाइंड वेरियस एप्स सेम नेम से, यानी कि नाम सेम हो सकता है बट पैकेज नेम शुड बी यूनिक. तो आपको वो हमेशा यूनिक ही लेना पड़ेगा. जनरली द पैकेज नेम ऑफ एन ऐप इज इन द फॉर्मेट डोमेन, या कंपनी जो होती है वो अपने कंपनी का नाम या डोमेन का नाम लिखती है. तो चूंकि डोमेन, यू नो वेबसाइट डोमेन जो होते हैं वो भी यूनिक होते हैं. तो जैसे मैंने imranapps.com लिया हुआ है, तो इट्स ओनली वन जो मैंने लिया हुआ है imranapps.com. तो इस नाम से कोई अदर तो क्यों बनाएगा, तो हम उसको यूज कर सकते हैं. अगर हम एनसीईआरटी के लिए ऐप बनाते हैं तो हम यहाँ पर एनसीईआरटी CIT जो भी हम चाहें वो लिख सकते हैं. और जो यहाँ पर कॉम होता है, यानी कॉम डॉट, उल्टे क्रम में हम लिख रहे हैं डोमेन नेम को, कॉम डॉट इमरान एप्स, और फिर जो हमारा ऐप नेम होता है उसी को ये खुद ही सजेस्ट करता है BMI कैलकुलेटर. यदि हम चाहें तो वी कैन चेंज इट ऑल्सो. तो पैकेज नेम यू मान सकते हैं कि ये एक यूनिक नेम होगा जो आपके ऐप की पहचान इसी नाम से होने वाली है, कोड के लिहाज से, यानी पैकेज. ठीक है, आपने एक क्वेश्चन शायद और भी पूछा था. जी यही क्वेश्चन था, आपने आंसर कर दिया है. ओके थैंक यू. सो कॉन्फ़िगर प्रोजेक्ट, हमारा ऐप है जो कॉन्फ़िगर हो गया. अब हमें फिनिश पर क्लिक करना होगा. जैसे ही हम इसको फिनिश पर क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं कि एंड्रॉइड स्टूडियो ने इस प्रोजेक्ट को बना दिया. यहां पर हम थोड़ा सा जूम कर सकते हैं. क्या आप देख पा रहे हैं? आपको ये एक्सप्लेन करते रहना पड़ेगा साथ में इमरान जी, क्योंकि इसमें जो फॉन्ट साइज है काफी छोटा है. ओके जी. ओके सो लेट मी स्टार्ट. हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट कर रहे हैं. यहाँ एक प्रोजेक्ट नाम से बटन होता है, प्रोजेक्ट. जब हम यहाँ देखेंगे तो आपको ऐप दिखाई देगा, और ऐप में एक फोल्डर होता है मैनिफेस्ट, जिसमें एंड्रॉइड मैनिफेस्ट फाइल होती है, जिसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं. जैसे ही हमारा ऐप बनता है, आप देख सकते हैं कि मैनिफेस्ट फाइल में पैकेज नेम होता है जो ये बताएगा कि आपका एक्चुअली पैकेज ऐप जो है उसका पैकेज नेम क्या है. ये यूनिक है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, वो अपने आप ही मैनिफेस्ट में ऐड हो जाता है. उसके बाद एप्लीकेशन शुरू होती है. तो एप्लीकेशन यहाँ पे इंटरप्ट करना चाहूंगी आपको इमरान जी. यहाँ पे डॉक्टर सुभ्रांशु मोहन नंदा जी का प्रश्न है कि अगर क्या एक बार ऐप का नाम फीड कर दिया गया है तो क्या उसको लेटर ऑन वी कैन चेंज इट? यदि आपने ऐप का नाम फीड कर दिया है और ऐप को आपने प्ले स्टोर पर अपलोड नहीं किया है तो आप चेंज कर सकते हैं. आप रिफ्रैक्टर यूज करते हुए उसको बदल सकते हैं. पर अगर आपने ऐप को प्ले स्टोर पर अपलोड कर दिया है, आफ्टर दैट यू कांट चेंज पैकेज नेम. और अगर आप चेंज करके अपलोड करते हैं तो दैट विल बी अनदर ऐप, सेम ऐप नहीं रहेगा. और उसका नुकसान ये होगा कि यदि आपने, मान लीजिए हमने यही पैकेज जो आज हम बना रहे हैं इसको प्ले स्टोर पर इसी नाम से अपलोड कर दिया, तो जो भी स्टेट्स होंगे, जो भी एनालिटिक्स होंगे, जो भी डाउनलोड्स होंगे, वो इस पैकेज नेम के साथ होंगे. बाद में आप चाहते हैं कि आप इसका पैकेज नेम बदल लें तो दैट विल बी अनदर ऐप, और वो फिर जीरो से शुरू होने वाला है. ओके तो हम देख रहे हैं कि मैनिफेस्ट फाइल जो है, इसमें इसको समझना जरूरी है. एप्लीकेशन शुरुआत, इसमें जो कुछ चीजें आप देख रहे हैं, जैसे अलाउ बैकअप आइकन, तो आइकन यहाँ डिफाइन होता है. यहाँ पर इसका नाम IC लॉन्चर है. आप चाहें तो किसी दूसरे नाम से दूसरी इमेज फाइल को अपलोड करके यहाँ चेंज कर देंगे तो वो आइकन है जो आपके ऐप का लॉन्चर आइकन बन जाए. इसी तरह लेबल जो लिखाया हुआ है, जब हमारा स्क्रीन हम मोबाइल की देखते हैं, डिवाइस की देखते हैं, तो ऐप आइकन के नीचे जो नाम लिखा हुआ होता है वो यहाँ से आएगा. ये स्ट्रिंग फाइल में ऐप नेम नाम से वहां पर हमने डिफाइन किया हुआ है, जिसको अभी हम देखने वाले हैं. लाइक ऐप नेम,
सो यू मे सी हियर, ये हमारी strings.xml फाइल है जो रिसोर्सेज फोल्डर में होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्ट्रिंग नेम, एप नेम, बीएमआई, कैलकुलेट, तो ये यहाँ पर डिफाइन होता है। हम चाहें तो उसको बदलेंगे तो ये यहाँ भी बदल जाएगा। इसी तरह राउंड आइकन डिफाइन होता है, कुछ डिवाइस है जिनमें सारे आइकन राउंड दिखाई देंगे तो आईसी राउंड, ये ऑटोमेटिकली इसमें हो जाते हैं। इसके अलावा थीम कौन सी यूज कर रहे हैं, तो रिसोर्सेज फोल्डर में हमने बात की थी कि वहां पर एक styles.xml फाइल होती है, तो वहां पर हमारी थीम होती है। थीम में कुछ चीजें ये डिफॉल्ट हमको तैयार करके देता है, लाइक कलर प्राइमरी कि आपका कलर कौन से होने वाला है, कलर प्राइमरी डार्क और कलर एसेंट, तो तीन कलर ये डिफाइन करता है। हम चाहें तो इसमें अदर कलर्स भी जोड़ सकते हैं जिनको अभी हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन पहले मैनिफेस्ट फाइल को देखें। इसके बाद आती है एक्टिविटीज, तो चूंकि हमारे ऐप में फिलहाल देयर इज ओनली वन एक्टिविटी, सो वो एक्टिविटी यहाँ पर जुड़ी हुई है जिसका नाम है मेन एक्टिविटी। और इंटेंट फिल्टर भी लगा हुआ है, इंटेंट फिल्टर ये बताता है जो यहाँ पर जुड़े हुए हैं, ये भी वेरियस टाइप होते हैं, बट हम बेसिकली जो यहाँ पर इनकी बात कर रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि एक्शन, एंड्रॉइड इंटेंट, मेन और लॉन्चर। इसका मतलब ये है कि ये जो मेन एक्टिविटी है ये हमारी लॉन्चर एक्टिविटी है, यानी मेन एक्टिविटी। जैसे ही लॉन्चर एक्टिविटी से हमारा मतलब ये है कि जब हमारा ऐप पहली बार इसको कोई ओपन करेगा या जब हम ऐप आइकन पर क्लिक करेंगे तो पहली एक्टिविटी इस ऐप की ये ओपन होने वाली है। सो ये एंड्रॉइड मैनिफेस्ट फाइल हो गई। जैसे यहाँ पर एक एक्टिविटी को हमने डिफाइन किया है, जब हम दूसरी एक्टिविटी बनाएंगे तो उसको इसके नीचे हम डिफाइन करेंगे, एक बात तो ये महत्वपूर्ण है। दूसरा, जो भी हमको परमिशन चाहिए, वैसे इस ऐप में हमको कोई इंटरनेट की परमिशन चाहिए नहीं तो हम नहीं ऐड करेंगे, अदरवाइज एप्लीकेशन जो टैग है इसके बाहर हम उन परमिशंस को ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारी पहली जो चीज है एंड्रॉइड मैनिफेस्ट फाइल होगी। दूसरा जावा फोल्डर होता है, जावा फोल्डर में ऑल जावा क्लासेज ऑफ ऐप विल बी देयर। जैसे आप देख सकते हैं com.imranapps.bmi कैलकुलेटर में आप देख रहे हैं मेन एक्टिविटी, ये हमारी पहली और इस ऐप की अभी तक जो बनी एकमात्र क्लास है। इसको आप देख सकते हैं पब्लिक क्लास मैन एक्टिविटी एक्सटेंड्स ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी, यानी कि ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी को ये एक्सटेंड कर रही है। ऐप कॉम्पैक्ट से मतलब है कंपेटिबल विद जो हमने शुरू में डिफाइन किया था कि 16th जो वर्जन था API की एंड्रॉइड की, वहां तक ये इसको एक्सटेंड करेगी और उसको हम यूज कर सकते हैं। और एक मेथड इसका शुरुआती जो होता है एक्टिविटी की जो लाइफ साइकिल हमने देखी थी, ऑन क्रिएट मेथड कॉल हो गया है। तो और एक जो हम बात कर रहे थे कि हम लेआउट और एक्टिविटी को कैसे कनेक्ट करेंगे, तो वो भी यहाँ पर हो चुका है, दैट इज सेट कंटेंट व्यू। अगर आप कल की स्लाइड आपने देखी हो तो आप उसमें देखिएगा सेट कंटेंट व्यू मेथड के बारे में हमने बात की थी, और यहाँ पर हम देख रहे हैं r.layout.activityMain, अर्थात इस एक्टिविटी के साथ हमारा जो लेआउट कनेक्ट हुआ है दैट इज एक्टिविटी मेन। जो हमारे दर्शक हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप कल की स्लाइड्स को नहीं देख पाए हैं तो CIET NCERT वेबिनार करके जो पेज है वहां पर आपको वो डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगी, और आप उसको PDF को जरूर देखें तो आपको ये सारे जो फंक्शंस हैं मेथड्स हैं वो आपको क्लियर हो जाएगी। सो जो दूसरा फोल्डर था वो जावा का है और उसमें सारी जावा क्लासेज होती है। इसके बाद तीसरा फोल्डर जो इम्पोर्टेंट है दैट इज रिसोर्सेज फोल्डर। इसमें आप देख सकते हैं सब फोल्डर्स हैं लाइक ट्रोवल, लेआउट, MIP, MAP एंड वैल्यूज। तो हम एक एक को देखते हैं। पहला है ड्रोवल, जो भी इमेजेज हैं या इमेज से संबंधित जो भी फाइल्स होंगी वो इसमें हमको डिफाइन करनी है, लाइक दिस वन, ये लॉन्चर बैकग्राउंड है, लॉन्चर फोरग्राउंड है, ये डिफॉल्ट इन्होंने लिया है। अभी हम जब ऐप आइकन बनाएंगे और उसको यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे, अपलोड करेंगे, तो आप देखेंगे कि वो ड्रॉबल फोल्डर में या MIP MAP फोल्डर में, जहां भी हम उसको अपलोड करना चाहेंगे वहां जाए। MIP MAP फोल्डर है, इसमें खासतौर पर लॉन्चर आइकन्स होते हैं। ये भी एक डिफॉल्ट लॉन्चर आइकन एंड्रॉइड स्टूडियो हमें तैयार करके देता है। आप देख सकते हैं कि इसके 6 वर्जन यहाँ पर दिए हुए हैं। जो HDPI फोन होंगे उनके लिए आप देख सकते हैं ये वाला है, MDPI के लिए ये वाला है, ये फिर उसके बाद में XHDPI के लिए और थोड़ा बड़ा है, अर्थात 96x96 पिक्सल में इसको बनाया है। XXDPI में देख सकते हैं आप 144x144 पिक्सल में जो PNG इमेज है वो बनाई हुई है।
ट्रिपल एक्स एच डी पी आई के लिए 192x192 पिक्सल में है, और इसके अलावा एन ई डी पी आई के लिए भी एक लॉन्चर आइकन है। इसी तरह से 6 लॉन्चर आइकन इन्होंने राउंड के लिए बनाए, वो भी आप देख सकते हैं। तो जब हम एक इमेज आइकन के रूप में बनाएंगे और उसको जब अपलोड करेंगे तो वो यहाँ पर अपने आप ही वेरियस जो डीपीआईज हैं उनके लिए एंड्रॉइड स्टूडियो क्रिएट कर देगा। यदि ऑनलाइन इस तरह के अदर टूल्स भी होते हैं कि आप ऐप आइकन बना सकते हैं, और आप चाहे तो इसको फोटोशॉप में भी बना सकते हैं या फिर अन्य जो इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं उनमें प्रयोग करके बना सकते हैं। अगर आप एंड्रॉइड डेवलपर जो पोर्टल है उस पर देखेंगे तो एक अच्छा ऐप आइकन कैसा होता है उसके बारे में आपको बहुत सारे सुझाव उस पर मिल जाएंगे। नेक्स्ट वैल्यूज फोल्डर करके एक फोल्डर है, जो भी वैल्यूज हमको इस ऐप में यूज आने वाली हैं उनके लिए वेरियस फाइल्स यहाँ पर हैं, लाइक colors.xml। ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि यहाँ पर हम कलर डिफाइन करते हैं। मैं आपको कलर डिफाइन करके बताता हूँ, लाइक हमें कहीं व्हाइट कलर चाहिए तो कलर नेम कोई भी आप नाम उसको लेना चाहें, व्हाइट मैंने ले लिया, और उसको फिर हेक्स कलर में हमको लिखना पड़ेगा। शायद आप में से कुछ लोग जानते हो, अगर नहीं जानते तो आप नेट पे सर्च कीजिए हेक्स कलर कोड और आपको हेक्स कलर पिकर वहां पर मिल जाएगा और आप लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ SFF FF FF, तो ये हमारा व्हाइट कलर होगा। आप चाहें तो डायरेक्ट यहाँ से भी कलर ले सकते हैं, लाइक हम एक कलर और लेते हैं। मतलब इमरान जी आपका कहने का मतलब है कि एक पर्टिकुलर कलर के लिए एक कोड होता है। यस तो वो भी जैसे हम यहाँ पर ले रहे हैं, मैं थोड़ा सा बता दूं हेक्स कलर, वैसे तो ये एंड्रॉइड डेवलपमेंट का पार्ट नहीं होता, अगर ये वेब डेवलपमेंट का पार्ट होता तो हम इस पे ज्यादा बात करते हैं। ये 6 डिजिट का एक तरह से कोड होता है जो हैश से शुरू होता है, जिसमें RGB के फॉर्मेट में ये कलर्स होते हैं। दो शुरुआती जो 2 डिजिट होती हैं वो R यानी रेड के लिए होती है, नेक्स्ट 2 जो होती है वो G यानी ग्रीन के लिए होती है, और नेक्स्ट 2 होती है वो ब्लू के लिए होती है। तो अगर आप थोड़ा सा इनको देखते हैं, और इनके जो जो वैल्यूज होती हैं वो 0 to 9 और 8 to F होती है, या फिर आप सीधे यहाँ से कलर पिकर ले सकते हैं, लाइक चेंज कर सकते हैं। तो हमें ब्लैक कलर के लिए ब्लैक ही चाहिए, सो मैं 0000 लिख रहा हूँ। ये थोड़ा सा याद भी रह सकता है कि हमारे पास FF 6 times लिख रहे हैं, वो व्हाइट कलर है, 006 times होते हैं ब्लैक कलर, और बाकी कलर्स को हम चाहें तो याद कर सकते हैं। सो कलर्स फाइल ये हो गई। स्ट्रिंग्स फाइल, जो भी हमें स्ट्रिंग इसमें यूज करनी है, जैसे हमें ऐप नेम यूज करना है, जो भी अंदर हमको यूज करनी है, जैसे मैं एक बार पीपीटी में देख के बताता हूँ आपको कि हमने पीपीटी में बीएमआई कैलकुलेटर, ये तो ऐप नेम हो गया, और हमने लिखा है कि जो बीएमआई है वो क्या है, उसकी डेफिनेशन को लिखा है, तो वो सब हमको यहाँ पर स्ट्रिंग्स में डिफाइन करना पड़ेगा। सो हम लिख लेते हैं यहाँ पर एक बार, लाइक न्यू स्ट्रिंग बना लेते हैं बीएमआई, शॉर्ट में लिख लें बीएमआई डेफ, बीएमआई डेफिनेशन जो है वो भी बॉडी मास इंडेक्स, बीएमआई इज अ मेजर ऑफ बॉडी फैट बेस्ड ऑन हाइट। आप जानते हैं जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो बीएमआई देखते हैं, चेक करते हैं, और हमें पता लग जाता है कि कहीं ज्यादा फैट तो नहीं बढ़ रहा है, उससे संबंधित चीजें, क्योंकि डॉक्टर जो दवाई लिखता है फिर उसी के आधार पे लिखता है। तो हम घर पे ही अपनी बीएमआई चेक कर सकेंगे इस ऐप के माध्यम से। तो हमने इसमें इसको लिख लिया है, तो हमारे पास एक स्ट्रिंग नई बन गई है, दैट इज बीएमआई डेफिनेशन। तो अदर्स जो भी स्ट्रिंग्स हमको डिफाइन करनी होंगी वो सबके सब हमको strings.xml में डिफाइन करनी। यहाँ मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि जो वैल्यूज फोल्डर है यानी रिसोर्सेज में जो भी फोल्डर है, अगर हम उसको चाहें तो उसको लैंग्वेज के अकॉर्डिंग भी तैयार कर सकते हैं, लाइक वैल्यूज -hi लिखकर अगर हम नया फोल्डर बना लें और ये सारी जो फाइल्स हैं उनको वहां कॉपी कर लें और वहां पर हम सारे कंटेंट को हिंदी में लिख लें, तो जो फोन डिवाइस हिंदी लैंग्वेज में काम कर रहा है यानी डिवाइस की डिफॉल्ट लैंग्वेज हिंदी है, तो अपने आप ही अपने ऐप की
जो हिंदी फोल्डर की जो स्ट्रिंग्स हैं वो वहां पर शो होने लग जाएंगी। तो अगर हम लैंग्वेज स्पेसिफिक कंटेंट लैंग्वेज के अकॉर्डिंग स्ट्रिंग्स को दिखाना चाहते हैं तो हमें वो अलग अलग स्ट्रिंग फाइल अलग अलग फोल्डर्स में उनको हमें लिखना होता है, तो एक ये इसका फायदा होता है। नेक्स्ट स्टाइल्स फोल्डर जो हम पहले ही देख चुके हैं, लाइक इसमें हमारी जो थीम है वो एप थीम है और उसकी जो पेरेंट थीम है थीम डॉट एप कॉम्पैक्ट डॉट लाइट डॉट डार्क एक्शन बार हम यूज कर रहे हैं। हम चाहे तो इनको चेंज भी कर सकते हैं, लाइक नो एक्शन बार। तो अगर आप कुछ भी लिखना शुरू करेंगे तो वी हैव टू यूज नो एक्शन बार, ओके, क्योंकि हमें एक्शन बार की जरूरत नहीं है, तो वो हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। तो ये कुछ चीजें मैंने आपको बताई। इसके अलावा इन इस वैल्यूज फोल्डर में हम डायमेंशंस अगर हमें चाहिए तो हम एक नई फाइल बना लेते हैं, लाइक डायमेंशन, और इसमें हम डायमेंशंस डिफाइन कर लेते हैं जिनकी हमको जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर लिखना ठीक रहेगा। लाइक हमको मार्जिन हमेशा क्या यूज करना है, मान लो हम मार्जिन नॉर्मल एक डायमेंड यहाँ पर डिफाइन कर लेते हैं तो उसकी कोई वैल्यू दे देते हैं, लाइक 16 dB, ये हमारा नॉर्मल मार्जिन है। अगर हम चाहते हैं कि कई जगह हमको और ज्यादा की जरूरत पड़ने वाली है तो हम एक मार्जिन बिग ले लेते हैं। ये नाम हम कुछ भी दे सकते हैं जो हम चाहें, ऐसा कोई इसके लिए स्टैंडर्ड नियम नहीं है कि आपको यही यूज करना है। लाइक 24 dB यहाँ पर ये हमने दी है, और एक और मान लीजिए हम दे देते हैं मार्जिन वेरी बिग, उसको हम 36 dB दे देते हैं। और जो टेक्स्ट साइज होती है उनको भी हमको यहीं पे डिफाइन कर लेना चाहिए कि कई बार हम काफी बड़े फॉन्ट यूज करने वाले हैं, कई बार हमें नॉर्मल करने हैं, कई बार छोटे करने हैं, तो यहाँ पर हम डिफाइन कर लें। उससे क्या है कि पूरे ऐप में हम उनको यूज कर सकते हैं। तो टेक्स्ट साइज नॉर्मल, क्योंकि इस ऐप में ज्यादा कंटेंट है नहीं, तो हम नॉर्मल में ही 16 dB ले लेते हैं। और मैं इसको कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, फिर उससे आसानी हो जाएगी। टेक्स्ट साइज मीडियम, हम जो टेक्स्ट साइज है उसको डीपी के बजाय एसपी में यहाँ पर डिफाइन करेंगे। मीडियम को हमने मान लीजिए 20 SP कर दिया है, और एक बिग और ले लेते हैं, एक्चुअली ये सारा हमें प्रैक्टिस जब करते हैं तब हमें सारी चीजें सीखने को मिलती हैं, तो हम बिल्कुल चाह रहे हैं कि सारी चीजें स्क्रैच से तैयार करें। तो यस, यहाँ पर दो चीजें मैंने डिफाइन की है, एसपी और डी। इमरान जी, यहाँ पे काफी सारे व्यूअर्स, यस प्लीज। इमरान जी यहाँ पे काफी सारे व्यूअर्स पूछ रहे हैं, ये डायमंड का मतलब क्या है? क्या डायमंड डायमेंशन से रिलेटेड है? यस यस, एक्चुअली डायमेंशन का ही शॉर्ट फॉर्म इन्होंने एंड्रॉइड ने इसको यूज किया है, तो हमें यहाँ डायमंड लिखना है। बट जी आप कह सकते हैं जहाँ मेजरमेंट की बात हो रही हो, कहीं साइज की बात हो रही हो, तो वो इसमें हमको डिफाइन करना है। यहाँ मैं दो चीजें जरूर बताना चाहूंगा, हमने जी डीपी यूज किया है और एसपी यूज किया है। तो एसपी स्टैंड फॉर स्केल इंडिपेंडेंट पिक्सल्स, कल हम डीपीआई की बात कर रहे थे, तो टेक्स्ट को जब हम यूज करते हैं तो उसके साथ स्केल इंडिपेंडेंट पिक्सल्स यूज करते हैं, एसपी में उनको हम डिफाइन करते हैं, जिससे ऐसा नहीं हो कि कई कई फॉर्म में बहुत छोटे अक्षर आए, कई में बहुत बड़े आए। और डीपी, जस्ट यूज डीपी इन योर कोड इफ यू आर कोड, स्टैंड फॉर डेंसिटी इंडिपेंडेंट पिक्सल। ये डेंसिटी इंडिपेंडेंट पिक्सल्स हैं। तो मैं सिंपली ये बता देता हूँ कि हमें जब टेक्स्ट यूज करना है तो एसपी यूज करना है, और जब अदर मार्जिन पैडिंग इस तरह की चीजें यूज करनी हो तो हमको डीपी यूज करना है। इस फाइल पर हम काफी टाइम दे चुके हैं, स्ट्रिंग्स हमने देख लिए, कलर्स हमने देख लिए, कैसे ऐड करना है, डायमेंड कैसे करना है, स्ट्रिंग्स कैसे करनी है। हम अब आगे बढ़ते हैं, क्रिएटिंग एक और चीज कर लेते हैं, एंड्रॉइड इम्यूलेटर, क्योंकि तो तुरंत जैसे ही हमारा ऐप बनना शुरू होगा हमें उसको चेक करना पड़ेगा। इम्यूलेटर चेक करने के लिए यहाँ पर टॉप राइट में एवीडी मैनेजर आपको मिलेगा, और एवीडी मैनेजर पे जब हम क्लिक करेंगे तो एक विंडो खुलेगा वर्चुअल डिवाइसेस। मैंने एक वर्चुअल डिवाइस बना रखा है, बट मैं आपको शुरू से ही बताता हूँ, क्रिएट वर्चुअल डिवाइस, एक नीचे बटन मिलेगा, और यहाँ पर आपको कैटेगरी में से सेलेक्ट करना है कि आप टीवी के लिए एक वर्चुअल डिवाइस बना रहे हैं,
या फोन के लिए या वीआर ओएस के लिए बना रहे हैं या फिर टैबलेट के लिए बना रहे हैं या फिर ऑटोमेटिव इसके लिए बना रहे हैं। तो हम फोन के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें से कोई एक चूज कर लें, लाइक पिक्सल 2 इसने लिया है हमें, सो हम पिक्सल 2 को यूज कर लेते हैं नेक्स्ट। और यहाँ पर सिस्टम इमेज आपको कौन सा रिलीज नेम यहाँ पर दिया हुआ है वो आपको इसमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। x86 इमेजेस भी होती हैं, अदर इमेजेस भी होती हैं। तो इसने जो रिकमेंड किया हुआ है, चूंकि मेरे ऐप में एंड्रॉइड क्यू इंस्टॉल हो रहा है तो उसको हम यहाँ पर और इसका कोई नाम दे देते हैं, लाइक पिक्सल 2 API 29। इसने खुद से एक नाम सजेस्ट किया है, हम चाहें तो उसको भी यूज कर सकते हैं। कुछ चीजें इसमें और भी है कि सेटअप स्टार्टअप ओरिएंटेशन, आप चाहते हैं कि आपका डिवाइस पोर्ट्रेट में रहे या लैंडस्केप में, तो बाय डिफॉल्ट हम पोर्ट्रेट में है, इसको हम यूज कर सकते हैं। आप डिवाइस फ्रेम को देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते हैं तो उसको भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। सो एडवांस सेटिंग्स कुछ चीजें हैं, लाइक आप कैमरा यूज करना चाहते हैं तो अगर आपके कंप्यूटर में कैमरा है तो वो उसको आपका डिवाइस है जो यूज करना शुरू कर देगा। इसके अलावा नेटवर्क को आप यूज करना चाहते हैं, इसके अलावा बूट ऑप्शन, कूल बूट और क्विक बूट। क्विक बूट से आप देखिए इसको और करेंगे तो खुद ही बता देगा। कूल बूट स्टार्ट साइज फ्रॉम ए पावर अप, यानी कि जैसे हमने उसको टोटली पावर अप किया हो वो कूल और कोल्ड बूट, ये दो चीजें हैं। इसके अलावा आप मेमोरी और स्टोरेज को भी यहाँ डिफाइन कर सकते हैं कि आपके इम्यूलेटर की कितनी इंटरनल मेमोरी रहने वाली है, एसडी कार्ड में से कितना है, तो ये कुछ चीजें यहाँ पर दी हुई हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं। बाकी डिफॉल्ट में जो चीजें होती है वो भी काफी ठीक होती है, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये आप देखेंगे कि अब यहाँ पर दो डिवाइस आपको दिखाई देने लगते हैं, दोनों के अपने अपने नाम है, पिक्सल 2 API 29 सेम है। तो हम इनको एक्शन में जाकर के हमारे पास तीन बटन इसमें मिलते हैं, एक होता है लॉन्च का, वी कैन लॉन्च आर इम्यूलेटर फ्रॉम हियर, एंड एडिट का बटन होता है अगर आप चाहते हैं उसमें कुछ एडिट करना है, आप उसकी रैम चेंज करनी है, आपको आपको उसका फ्रेम नहीं देखना है, जो भी चाहे आप एडिट कर सकते हैं, या फिर आप उसका डुप्लीकेट बनाना चाहते हैं या वाइप डाटा, जो भी उसमें डेटा आपने कोई ऐप पहले से इंस्टॉल किया है तो उसमें से क्लियर हो जाएगा। कोल्ड बूट कर सकते हैं, सॉन डिस्क डिटेल्स एंड डिलीट अगर करना चाहते हैं तो आप उसको कर सकते हैं। तो हम इसको यहाँ से लॉन्च करते हैं, ये डिपेंड करता है आपके सिस्टम पर कि आपका सिस्टम किस तरह का है। यदि आपका सिस्टम है जो काफी अच्छी, जिसको कहें हम उसकी पावर है, परफॉर्मेंस है, उसका प्रोसेसर बहुत अच्छा है या उसकी रैम बहुत अच्छी है, तो डेफिनेटली आपका इम्यूलेटर बहुत फास्ट ओपन हो जाएगा। और यदि ऐसा नहीं है तो फिर आपका जो इम्यूलेटर है वो टाइम ले सकता है। तो वैसे ऐसी स्थिति में जबकि आपके पास उतने रिसोर्सेज नहीं है तो आप फिर अपने रियल डिवाइस को यूएसबी के माध्यम से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये डिवाइस हमारा लॉन्च हो गया है, ये बिल्कुल पूरी तरह से हमारे कंप्यूटर जैसा दिखाई दे रहा है। शिल्पा जी, क्या आप देख पा रहे हैं कि एक एंड्रॉइड मोबाइल भी दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? अभी तो नहीं नजर आ रहा इमरान जी, मुझे शेयर करना पड़ेगा। Yes. जब तक आप शेयर करें इमरान जी, काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो गई है व्यूअर्स के बीच में। सो एज मेनी ऑफ यू आर आस्किंग अबाउट मिस्टर इमरान पावर पॉइंट वेयर यू कैन फाइंड इट, सिंपली यू कैन जस्ट गो ऑन cit.nic.in एंड देयर यू कैन जस्ट फाइंड फॉर द फाइट COVID-19 जॉइन अस ऑन वेबिनार। देयर यू हैव द ऑप्शन ऑफ आर्काइव्स एंड ऑल्सो you can find our recorded programs there. For example, our today's session, you will be able to find there the PowerPoint as well as the recorded program. So do not worry about it. Yes, Imran ji. So, abhi aap dekh pa rahe hain ek Android device? I think dekh pa rahe hain. Yes. Okay. So, hamara Android emulator ab taiyar ho gaya hai. ये हमें एक तरह से हमारा जो एंड्रॉइड पूरा डिवाइस होता है उसकी वर्चुअल कॉपी हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो गई है और स्टार्ट हो गई है। आप देख सकते हैं कि जो हमारे फोन में जिस तरह के आइकन्स दिखाई देते हैं वो सभी हमको यहाँ पर भी दिखाई देंगे। अब हम इसको यूज कैसे करेंगे? यस, यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको राइट में एक ग्रीन बटन, रन का बटन दिखाई देगा एंड्रॉइड स्टूडियो में, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो बॉटम में एक प्रोग्रेस बार दिखाई देने लगेगा जो कहेगा क्रेडल बिल्ड रनिंग। तो आपका ऐप है जो बन रहा है
अभी हमने इस ऐप में कुछ भी नहीं किया है, बट कुछ बेसिक चीजें स्वतः ही जो डिफॉल्ट एंड्रॉइड स्टूडियो ने ऐड की हैं वो सभी ऐड हो गई हैं। और आप देख सकते हैं कि ये आपका पहला ऐप रन हो गया है और यहाँ हम सिर्फ देख रहे हैं हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है और एक स्क्रीन दिखाई दे रही है। इट्स टोटली जो डिफॉल्ट ऐप है वो ये है। अब हम इसको कैसे एडिट करेंगे, कैसे इसमें नए फीचर्स जोड़ेंगे, ये आपका बेसिक जो सेटअप था वो है, क्योंकि यहाँ से आगे आपका एक डेवलपर का काम शुरू होने वाला है। यहाँ तक की जो भी चीजें हैं वो तो बिल्कुल बेसिक है। सो लेट्स स्टार्ट। हम लेआउट लेआउट फाइल पे जाएंगे, एक्टिविटी मेन, क्योंकि हमारे जो मेन एक्टिविटी है, आपको फिर से मैं दिखाऊं, मेन एक्टिविटी में सेट कंटेंट व्यू में हमारी एक्टिविटी मेन नाम से एक फाइल है जो सेट हो रही है। तो ये वही फाइल है, सेम टू सेम। यस, इस पे आप देखेंगे हेलो वर्ल्ड यहाँ पर लिखा हुआ है, इधर कॉन्स्टेंट व्यू यूज किया हुआ है। अगर आप चाहें तो इसको XML में भी डिजाइन एंड ब्लूप्रिंट यहां से चेंज कर सकते हैं। आप चाहें तो केवल ब्लूप्रिंट के रूप में देख सकते हैं और आप चाहें तो उसको डिजाइन के रूप में देख सकते हैं। यू वांट टू चेंज इट इन XML? यस, यहां पर इसका प्रीव्यू दिखाई दे रहा है और ये इसकी जो XML फाइल है वो ये वाली। जो साथी बिल्कुल शुरुआत से शुरू कर रहे हैं उनको लग रहा होगा कि बिल्कुल ये टोटली कोडिंग आ गई है, बट ऐसा नहीं है। मैं आपको कोड के माध्यम से यूज नहीं करके सिंपली इसको बिना कोड के यूज करके बताऊंगा कि यहाँ आप देख रहे हैं एक टेक्स्ट व्यू है जो इधर कंपोनेंट ट्री में दिखाई देता है और ये एक कॉन्स्टेंट लेआउट है। हम इस सिंपल कॉन्स्टेंट लेआउट को आप चाहे तो हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि शुरुआत में मुझे लगता है कि हम कॉन्स्टेंट लेआउट से शुरू ना करें, बेटर होगा। हम इसको सिंपली चेंज कर देते हैं लीनियर लेआउट में, क्योंकि लीनियर लेआउट ज्यादा सिंपल रहेगा शुरुआती तौर। अब आप देख रहे हैं कि हेलो वर्ल्ड यहाँ पर चला गया है और ये टेक्स्ट व्यू है, इसका पहला व्यू हो गया टेक्स्ट व्यू। वापिस मैं फिर से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप की तरह यूज करना चाहूंगा। ये जो आप कंपोनेंट ट्री में देख रहे हैं टेक्स्ट व्यू, ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो इसको हम इसकी जो एट्रीब्यूट्स हैं वो यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे लेआउट विड्थ, कंटेंट लेआउट हाइट, तो आप इनको चेंज भी कर सकते हैं। लाइक विड्थ आप चाहते हैं मैच पैरेंट तो वो पूरी स्क्रीन पर आ जाएगा। इसी तरह से इसमें ग्रेविटी होगा, आप इसको सर्च भी कर सकते हैं लेआउट ग्रेविटी, क्योंकि हम सेंटर में चाहते हैं। एक बार हम चाहेंगे कि हमारी पीपीटी के आधार पे चले। यस, ये हमारा BMI कैलकुलेटर है, हमें इसमें एक इमेज लगाना है, इमेज के नीचे जो हमारा ऐप है उसका टाइटल हमको इंक्लूड करना है, उसके नीचे एक टेक्स्ट व्यू इंक्लूड करना है और उसके बाद में हमको एक बटन को इसमें ऐड करना है। तो हम इसी तरह से चलेंगे, अभी हमारे पास ऐप आइकन नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल क्रिएट एन ऐप आइकन। सो ऐप पर जाएंगे, जो आपका प्रोजेक्ट है वहां पर ऐप और न्यू में जाकर के हम इमेज असेट, यहाँ पर इमेज असेट पर क्लिक करेंगे। आइकन टाइप यहाँ आपको चूज करना पड़ेगा कि आप लॉन्चर आइकन फॉर एडेप्टिव एंड लीजेसी तैयार करना चाहते हैं, लॉन्चर आइकन फॉर लीजेसी करना चाहते हैं, तो जो लेटेस्ट है उसको ले लीजिए, उसका नाम IC लॉन्चर रखें। और आप उसको कई तरीके से तैयार कर सकते हैं, जैसे आपने ऑलरेडी इमेज बना रखी है तो आप इमेज को फोल्डर आइकन पर क्लिक करके अपलोड कर सकते हैं। आप क्लिप आर्ट यूज कर सकते हैं, वेरियस क्लिप आर्ट इसमें आपको दी हुई है, आप इनमें से कुछ चाहते हैं कि इनमें से हम किसी एक को यूज कर लें तो उसको यूज कर सकते हैं। और आप सिंपली टेक्स्ट चाहते हैं तो आज हम सिंपल टेक्स्ट ही यूज करना चाहेंगे। लाइक हमारे टेक्स्ट में लिखा रहे BMI और उसका कलर हम थोड़ी देर के लिए इसका कलर बदल देते हैं, लाइक कलर हमको चाहिए व्हाइट। इमरान जी के अपनी पसंद की इमेज लगा सकते हैं, खुद का इमेज लगा सकते हैं, ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, खुद का इमेज नहीं, अगर मान लीजिए जो भी इसमें डिफॉल्ट फीडेड है उसको छोड़ करके अगर कोई BMI ऐप के लिए अपना कोई इमेज यहाँ पर पुट करना चाहते हैं। यस, खुद का ही लगाना चाहिए, उसको हम फोटोशॉप में या कहीं और जगह तैयार कर सकते हैं, तो वो हमको लगाना चाहिए और वो हमें 512x512 पिक्सल में तैयार करना चाहिए और PNG फॉर्मेट में उसको तैयार करना चाहिए, उसको अपलोड कर देना चाहिए। अगर हम चाहें तो उसको अभी हम फोटोशॉप से भी आपको दिखा सकते हैं कि कैसे यूज कर सकते हैं। समय थोड़ा सा कम है इमरान जी, तो मैं आपको बोलूंगी बेसिक इन्फॉर्मेशन आप दे दें। सो हमने BMI सिंपल लिया है और
इसके जो बैकग्राउंड लेयर है उसमें हम कलर यूज कर लेते हैं, जिससे हमारा समय ज्यादा जाया नहीं हो। लाइक हमने ब्लू कलर इसमें यूज कर लिया। सो आप देख सकते हैं कि इस तरह का हमारा आइकन होने वाला है। और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे जब क्लिक किया तो आउटपुट डायरेक्टरीज में दिखा रहा है कि पहले से एक आईसी लॉन्चर था, आप उसको रिप्लेस कर रहे हैं। यस वी आर रिप्लेसिंग, क्योंकि डिफॉल्ट जो था वो हमारे काम का नहीं है। सो हम नेक्स्ट क्लिक कर देंगे और फिनिश कर देंगे। तो अब आप वापस से यहाँ जब MIP MAP फोल्डर में जाएंगे और किसी एक आइकन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका आइकन अपलोड हो चुका है और वो हर एक DPI के लिए अपलोड हो गया है। तो हम समय का ध्यान रखते हुए थोड़ा तेज चलते हैं। एक्टिविटी मेन में हम चाहते हैं कि हमारा आइकन सबसे टॉप पर आए, तो हम इस टेक्स्ट व्यू को भी यहाँ से डिलीट कर देते हैं और यहाँ पर हम इमेज व्यू ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। तो हमने इमेज व्यू किया और MIP MAP में हम देख सकते हैं कि हमारा जो लॉन्चर आइकन है वो यहाँ पर मौजूद है और हम ओके कर देंगे। तो ये हमारे लेआउट में आ गया है। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज को सेट करें वो हमें करनी होगी। तो मैं आपको थोड़ा सा XML साइड से कर देता हूँ कि फास्ट हो जाएगी। लाइक दिस वन, यस। तो हम इमेज व्यू में हम चाहते हैं कि इमेज व्यू बिल्कुल टॉप पर नहीं आए, उसके ऊपर थोड़ी जगह हो, तो हम मार्जिन टॉप लगा देंगे। एंड्रॉइड में अच्छी बात यह है कि ज्यादातर कोड को बिल्कुल जो हम बोलने की भाषा है उसकी तरह इनको इन्होंने यूज किया है। तो मार्जिन टॉप जैसा नाम से ही है कि इस इमेज के टॉप में मार्जिन आने वाला है, हमने मार्जिन बिग लगा दिया। आप देखिए जैसे मैं ये लगाता हूँ आइकन जो सर के नीचे आ गया है, या फिर हम वेरी बिग लगाए क्योंकि हमें जगह थोड़ी ज्यादा चाहिए, तो ये वेरी बिग लगा दिया। अब इसके नीचे हम चाहते हैं कि टेक्स्ट व्यू हो, टेक्स्ट व्यू। तो टेक्स्ट व्यू हम चाहते हैं रेप कंटेंट हो, इसकी हाइट और विड्थ तो हमको डिफाइन करनी पड़ेगी। रेप कंटेंट ले लिया और टेक्स्ट क्या होगा तो हम टेक्स्ट लिख देंगे। टेक्स्ट हम चाहते हैं कि जो एप नेम है यानी कि BMI कैलकुलेटर वही आ जाए। और यहाँ पर जो लीनियर लेआउट है इसका हमको ओरिएंटेशन भी सेट करना होगा, क्योंकि ओरिएंटेशन दो तरीके से होता है, या तो वर्टिकल होगा या फिर हॉरिजॉन्टल। सो यहाँ पर एप SRC कॉम्पैक्ट, जब इस तरह की रेड लाइन आए तो हम ऑल्ट प्लस एंटर दबा करके उसको सही कर सकते हैं। इमेज व्यू दूसरा जो लेआउट का टाइप है रिलेटिव, हम उसको भी यूज करके देख लेते हैं, कोई यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है। सो इमेज व्यू और ये टेक्स्ट व्यू है, तो हम इनको रिलेटिवली सेट कर सकते हैं कि ये आपका टॉप हो गया और टेक्स्ट व्यू इसकी हमने आईडी दी है इमेज व्यू, और इसकी आईडी हम दे देते हैं टेक्स्ट व्यू की जैसे TV बने। सो लेआउट बिलो किसके नीचे रखना चाहते हैं तो उसको हम इमेज व्यू के नीचे रखना चाहते हैं। सो ये इसके नीचे आ जाएगा और इसका जो कलर है टेक्स्ट कलर वो भी हम यहाँ सेट कर सकते हैं। जैसे हमको ब्लैक करना है ब्लैक कर सकते हैं, और हम चाहते हैं कि ये सेंटर में आए तो हम लेआउट ग्रेविटी सेट करनी होगी हमको, सेंटर इन हॉरिजॉन्टल के बीच में सेंटर इन हॉरिजॉन्टल इसको ट्रिम कर देंगे। आप देख सकते हैं ये इसके मिडिल में आ गया है। इसी तरह हम टेक्स्ट व्यू में भी एक और जोड़ देंगे तो इसके नीचे आ गया है। इमरान जी एक प्रश्न पूछना चाहूंगी। यस मैम। जैसे इमेज है ये आपने BMI कैलकुलेटर जो आपने टेक्स्ट लिखा है, सो क्या ये हमेशा कमांड के फॉर्म में ही हम उसको सेंट्रली अलाइन कर सकते हैं या वर्टिकली जो भी आपने प्लेस किया, या मैनुअली भी उसको हम ऊपर नीचे या वर्टिकली इधर उधर कर सकते हैं? यस मैनुअली भी हम कर सकते हैं। जैसे आप राइट साइड में देख रहे हैं कि ये इमेज व्यू है तो हमारे पास वेरियस एट्रीब्यूट्स और यहाँ पर होते हैं, तो हम यहाँ पर उनको अगर देखेंगे तो वो सभी जो मैं टाइप कर रहा हूँ वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे।
और आप वहां से चूज कर सकते हैं। जैसे अभी हमने ग्रेविटी की बात कर रहे थे या फिर सेंट्रल लाइन की, तो वो सभी यहाँ पर मौजूद होते हैं। आप उनको एक एक करके ट्राई करेंगे और ड्रॉप डाउन में से चूज करेंगे तो आपको यहाँ मिल जाएंगे। यानी कि आप कॉर्ड अगर यूज ना करें तो भी आप कर सकते हैं, बस थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत होती है, उसके बाद फिर इजी हो जाता है। जी। हम बैकग्राउंड भी बदलना चाह रहे थे, टोटल बैकग्राउंड कलर, तो हम बैकग्राउंड कलर भी बदल सकते हैं। जैसे कलर ब्लैक तो हमको करना नहीं है, हम चाहते हैं कि प्राइमरी, यस, तो ये कलर अगर हमें सही नहीं लग रहा है तो हम यहाँ से उसको चेंज कर सकते हैं। जो भी हमको बैकग्राउंड कलर चाहिए, मान लीजिए हमको लाइट ग्रीन ही चाहिए था, तो वी कैन चेंज इट। आप देख सकते हैं कि वो यहाँ पर चेंज हो गया है, या फिर व्हाइट ही यूज करना है तो हम व्हाइट यूज कर सकते हैं। सो बैकग्राउंड कलर को भी इस तरह से चेंज कर लेते हैं। तो हमें हमारे डिजाइन के अकॉर्डिंग एक आइकन चाहिए था, हमने दूसरा आइकन ले लिया, कोई बात नहीं। आप पावर पॉइंट उसमें फोटोशॉप में अपना आइकन तैयार कर लें या अन्य किसी इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर में और उसको अपलोड कर लें। और फिर हमें एक और टेक्स्ट भी चाहिए जिसमें हमको ये लिखना है। सो एक दूसरा टेक्स्ट भी, हम इसकी साइज थोड़ी बढ़ा देते हैं, तो हमें उसके लिए टेक्स्ट साइज, जैसे आप लिखना शुरू करते हैं ये ऑटोमेटिकली आपको सजेस्ट करेगा कि आपको क्या करना है और आपके पास कौन कौन से चीजें हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं। जैसे हमने इसका थोड़ा साइज मीडियम कर दिया, हम चाहते हैं कि और थोड़ा बड़ा हो, तो हमने जो पहले डायमेंड जो सेट किए थे उनको अब हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो टेक्स्ट साइज हमने टेक्स्ट साइज बिग कर लिया है। इसके नीचे फिर से हमें एक और टेक्स्ट भी चाहिए, हम इसको कॉपी कर लेते हैं और उसका टीवी टू नाम दे देते हैं, टीवी टू टेक्स्ट व्यू टू, और ये होगा बिलो इमेज व्यू, नहीं ये टीवी वन के नीचे, और इसकी जो साइज होगी वो बिग नहीं होगी, नॉर्मल होगी, तो हम लाइक नॉर्मल ये हमने। और हमें थोड़ा बीच में मार्जिन भी चाहिए, तो हम मार्जिन टॉप लिख देते हैं, मार्जिन टॉप लाइक मार्जिन भी। और ये जो लिखा हुआ है BMI कैलकुलेटर, ये नहीं चाहिए हमको, यहाँ पर BMI डिस्क्रिप्शन जो हमने लिखी थी, BMI डेप्थ, तो वो यहाँ पर लिख दिया। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर शो होने लगा है, इमेज भी हमारी सेट हो गई है, हमारा टाइटल भी सेट हो गया है आपका, और हमारा जो टेक्स्ट है वो भी आ गया है, लेकिन ये पूरी तरह से वॉल पे टच हो रहा है, तो हम पैडिंग यूज कर सकते हैं, पैडिंग या मार्जिन दोनों यूज किए जा सकते हैं, तो हमने पैडिंग यूज कर ली मार्जिन। अभी आप देख रहे हैं लेफ्ट अलाइन है, तो लेफ्ट अलाइन को करने के लिए हम ग्रेविटी यूज कर सकते हैं, ग्रेविटी से भी आई थिंक ये हो जाएगा, यस ये हो गया। तो ये हमारा दो टेक्स्ट भी हो गए, एक इमेज भी हो गया, और इसके बाद हमको चाहिए था एक बटन, तो हम बटन यूज करेंगे, तो एक बटन ले लेते हैं और अब कंटेंट, और अब कंटेंट बटन में जो टेक्स्ट होगा वो क्या होगा, जैसे हमने अभी फिलहाल कोई एक स्ट्रिंग यूज कर ली, ऐप नेम नाम से बटन में होगा, ये कहाँ पर होगा, ये बिलो टीवी टू होगा, सो टीवी टू के नीचे होगा, और इसकी जो ग्रेविटी होगी या सेंटर हॉरिजॉन्टल, ये भी सेंटर में रहेगा, सो ये यहाँ पर आ गया। लेकिन हमको इसके इस बटन में जो लिखना है वो लिखना है कैलकुलेट BMI, तो वो हमारे पास स्ट्रिंग नहीं है, तो हम यहाँ से कंट्रोल वी करते हुए स्ट्रिंग फाइल में चले जाएंगे और एक स्ट्रिंग फिर से ऐड कर लेंगे, लाइक दिस वन कैलकुलेट शॉर्ट नेम लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो हमें ही पता होता है, और इसको हम कैलकुलेट BMI ये हमने लिख लिया है। और हम फिर वापस से एक्टिविटी मेन पे गए और हमने इसको कैल्क BMI दिया, तो ये कैलकुलेट BMI यहाँ पर आ गया है। हम चाहते हैं कि इस बटन का जो कलर है वो ग्रे अच्छा नहीं लग रहा है, हम उसका कलर भी बदलना चाहते हैं, तो बैकग्राउंड कलर बदल सकते हैं, कलर लाइक डार्क, प्राइमरी डार्क जो भी ये कर दिया है। अभी ये थोड़ा ठीक नहीं दिख रहा है, हम चाहते हैं टेक्स्ट का कलर बदल जाए, तो टेक्स्ट नॉट साइज बट कलर, टेक्स्ट कलर हम यहाँ पर व्हाइट कर देते हैं, सो ये हो दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा अभी भी हम देखते हैं कि ये कैलकुलेट BMI बिल्कुल टच हो रहा है, हम इसमें भी पैडिंग यूज कर सकते हैं, पैडिंग
लाइक मार्जिन नॉर्मल। तो ये जो डायमेंड हमने एक बार में डिफाइन कर लिया, हम उसको मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये हमारा पहला लेआउट है जो तैयार हुआ है। हम चाहे तो इस इमेज के ऊपर और भी जगह दे सकते हैं। तो ये एक्चुअली सारा प्रैक्टिस का गेम है और इसके माध्यम से होता है। अब मैं इसको रन करा के दिखा दूं जिससे कम से कम हमें ये पता लगे। इमरान जी समय हमारे पास समय कम है थोड़ा, अगर आप थोड़ा सा इसको खुदली कोशिश करें। ओके सो मैंने रन किया है, अब आप इसको इम्यूलेटर में देख सकते हैं कि BMI कैलकुलेटर ऐप का पहला स्क्रीन हमारे सामने आ गया है। हमारी इमेज भी शो हो रही है। शिल्पा जी क्या आप देख पा रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, यस BMI कैलकुलेटर जो टाइटल भी शो हो रहा है और आपका टेक्स्ट व्यू भी शो हो रहा है और कैलकुलेट BMI बटन भी यहाँ पर शो हो रहा है। तो ये हमारी पहली स्क्रीन है, राइट। अब हम इसके बाद जो हमारा जो प्लान था उसके आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। हमें एक दूसरी स्क्रीन तैयार करनी है जिसमें हम बहुत सारी नई चीजें जोड़ेंगे, लाइक एडिट टेक्स्ट जोड़ेंगे जहां पर हम वेट को इनपुट दे सकें, वेट भर सकें, हाइट का इनपुट दे सकें। फिर उसके बाद एक बटन देंगे कैलकुलेट, और फिर कैलकुलेट करके जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग उसको कैलकुलेट करते हुए किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की BMI को कैलकुलेट करके शो कर सकते। सो हमारे पास कितना टाइम है शिल्पा जी? इमरान जी हमारे पास अब समय नहीं है, समय जो है समाप्त हो गया इस कार्यक्रम के लिए। तो जहां तक मैं समझ पाई आपने बहुत ही कोशिश की कि आप एटलीस्ट एक बिगनर्स को आइडिया दे पाए कि मोबाइल एप्लीकेशन कैसे डेवलप कर सकते हैं। एंड आई गेस अगर मतलब इसको अनफॉर्चुनेट समझने की जरूरत नहीं है, हम दूसरा सेशन भी इसमें कर सकते हैं जिसमें आप समझा सकते हैं आगे भी स्टेप्स जो इंक्लूडेड है। और यहाँ पर जितने भी लोग जो पैनिक कर रहे हैं कि उनको पावर पॉइंट कहाँ मिलेगा, रिकॉर्डेड वीडियोस कहाँ मिलेगी, आपकी सहूलियत के लिए हमारे YouTube लाइव स्ट्रीमिंग के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मेंशन कर दिया गया है। वहां से आपको डायरेक्ट सुविधा मिलेगी कि आप पावर पॉइंट और रिकॉर्डेड प्रोग्राम को एक्सेस कर पाए। और इसी के साथ सो टुडे वी फाइनली अंडरस्टूड हाउ टू मेक अ मोबाइल ऐप एज अ बिगनर, मोरओवर how you could customize it as per your requirement or a problem. So thank you so much, Mr. Imran, for guiding us. Thank you, ma'am. Further, if you have any query or any suggestions regarding our any program, then you can dial into our toll-free numbers or you can drop an email to us. And with this, I'm Shilpa signing off. Till then, take care and keep watching Kishore Manch.